सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पीसीएम नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। जी हाँ, अध्याय नंबर 16 की बात करें जिसका नाम है प्रकाश मिस लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, फिर कुछ बेसिक यहाँ पे नोट्स पॉइंट है उसको आपको पढ़ना है, देन हम लोग अभ्यास के प्रश्न का स्टडी करेंगे। सो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनुप कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पीसीएम नॉलेज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझ लेना कि एक्चुअल में लाइट होता क्या है, प्रकाश क्या होता है, एंड उसका डिफिनेशन क्या होता है प्रकाश का। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आप ये नहीं कह सकते कि हम अपनी आँख के द्वारा किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यदि लाइट नहीं रहेगा, लाइट उपस्थित नहीं रहेगा, तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक माध्यम है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? दो पाइप लीजिए, एक टेढ़ी हुई पाइप लीजिए और एक सीधा पाइप लीजिए। तो सीधे पाइप से देखेंगे तो आपको आर पार की वस्तु दिखाई देती है, जबकि वही टेढ़ी पाइप से आप देखेंगे किसी वस्तु को तो आपकी वस्तु भी आर पार दिखाई नहीं देती है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है प्रकाश की, लाइट की होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे आपने क्या सीखा इसका हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में पहला टॉपिक पुटअप होता है कि प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। सेकेंड है, जब प्रकाश किसी चिकने पॉलिश किए हुए नियमित सतहों पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इज कि विसरित परावर्तन खुद खुरदरे सतहों से होता है। अब परावर्तन के दो नियम हैं और ये अक्सर ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पुटअप होता रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के इक्वल होता है। एंड सेकेंड रूल है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, जिसको आपको रिमेम्बर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पुटअप होता रहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के बराबर होता है। एंड सेकेंड रूल होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। जैसे आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ब्रॉड में डायग्राम सहित आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बता रहे हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि किसी कोण पर झुके हुए दर्पण असंख्य प्रतिबिंब बना सकते हैं और बहुलित परावर्तन के कारण सदैव कैलाइडोस्कोप में सुंदर नमूने बनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो किसी कोण पर झुके हुए दो दर्पण हैं। ठीक है, तो वहाँ से बहुत सारे प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कि नंबर ऑफ इमेज एन इक्वल टू होता है 360 अंश माइनस थीटा, वन माइनस 360 अंश अपान थीटा होता है। ठीक है, तो अब थीटा का मान यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, और इसका भी आपको न्यूमेरिकल क्लास 10th में ब्रॉड में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स दिया हुआ है। तो अगला टॉपिक्स इसका ए है कि सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है सात रंगों से मिलकर बना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इसी को कहते हैं बिबग्योर। क्या कहते हैं? बिबग्योर कहते हैं, अथवा इसी को कहते हैं बैनी आपिनाला। तो इसमें सात रंग होती है और ये कैसे मिलता है कि आपने देखेंगे किसी प्रिज्म से यदि आप श्वेत प्रकाश गुजारेंगे तो वो सात भागों में विभाजित हो जाता है, जिसको कहते हैं बिबग्योर अथवा हिंदी में इसको कहते हैं बैनी आपिनाला। तो यहाँ पे जितने भी सात तरंगे हैं इनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य होते हैं और इनके अपवर्तनांक का मान भी अलग अलग होता है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं कि प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आगे, हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे कॉर्निया को श्वेत मंडल कहते हैं, आयरिस को परीतिका कहते हैं, पुतली होता है, रेटिना होता है, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं, तथा तो दृक् तंत्रिकाएँ होती है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट पार्ट होती है हमारी
आँख की, ठीक है। तो आँख की सबसे ऊपरी परत जो होती है उसी को क्या कहते हैं, कार्निया अथवा श्वेत मंडल कहते हैं। एंड आँख में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा अनुभव करता है, ठीक है। और सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा हमारी आँख इधर उधर आसानी से घूमता रहता है। तो ये आपको क्लास 10th में ह्यूमन आई मतलब मानव नेत्र का पूरा ब्रॉड एक चैप्टर भी मिलेगा वहाँ पे, तो आपको डिटेल्स में वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सामान्य नेत्र समीप तथा तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ये आँख के बारे में कुछ क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएँ हैं। एंड आगे देखते हैं कि चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक्स है कि ब्रेल पद्धति का प्रयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो अभ्यास से पहले आपको बता दिया गया है, ताकि ये चीज़ यदि आपको मालूम रहेगा तो देन आप अभ्यास के प्रश्न का भी इजीली तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न का हम लोग आंसर देते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होता है कि मान लीजिए कि एक अंधेरे में है आप, ठीक है, और क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या आप कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं, व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको मान लीजिए अंधेरे कमरे में बैठा दिया गया है और एक बार आपको बाहर बैठा दिया गया है, तो आप किस में से वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं उसी का आंसर आपको देना है। तो आप लिखेंगे यदि हम अंधेरे कमरे में है तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम जिन वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं जो कि अंधेरे में नहीं होगा, और हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पे रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँच सके। तो सीधे सीधे आप इसका आंसर लिखेंगे कि हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वहाँ पे प्रकाश मौजूद हो, ठीक है। अब प्रकाश सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है, बैटरी का भी हो सकता है, फ्लेक्स का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। जब वहाँ पे प्रकाश रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे कि नियमित तथा विशिष्ट परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विशिष्ट परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? जी हाँ, तो इसका आंसर लिखेंगे नियमित परावर्तन का कि दर्पण जैसे चिकनी पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। जी हाँ। एंड विस्तृत परावर्तन को डिफाइंड करते हैं कि जब सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि क्या क्या परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? तो आंसर लिखेंगे नहीं, विस्तृत परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। एंड विस्तृत परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों को सफलतापूर्वक पालन होता है, और प्रकाश का विसरण गति जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि विस्तृत परावर्तन के कारण प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से भी उसका पालन होता है, जो भी रूल होता है उसमें फॉलो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा अथवा विस्तृत परावर्तन होगा, और प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य कारण बताना है, ठीक है। मतलब आपको बताना है कि इसमें नियमित परावर्तन होता है या विस्तृत परावर्तन होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। को देखिए कह रहा कि पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, तो इसमें नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। एंड ख में कह रहा कि चाक पाउडर, तो चाक पाउडर में हमेशा विस्तृत परावर्तन होता है। ग है गत्ते का पृष्ठ, गत्ते के पृष्ठ में भी विस्तृत परावर्तन होता है। एंड घ है कि संगमरमर के फर्श पर फैला जल, तो ये नियमित परावर्तन होता है। एंड अंगा है कि दर्पण, तो दर्पण में भी क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। एंड कागज़ का टुकड़ा, तो कागज़ के टुकड़े में भी नियमित परावर्तन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज सेइंग डैट कि परावर्तन के नियम बताइए। जी हाँ, तो परावर्तन के जनरली दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि परावर्तन कोण सदैव अपवर्त आपतन कोण के बराबर होता है, मिस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है।
एंड सेकंड होता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। एंड इसका डायग्राम आप बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मिरर है, दर्पण है, यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे इसको कहते हैं नॉर्मल अविलंब कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो किरणें आती है उसको आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रेस कहते हैं, एंड यहाँ से जो किरणें जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये इसका दूसरा नियम हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप लिखेंगे कि जो एंगल आई होता है आपतन कोण परावर्तन कोण मिस एंगल आर के बराबर होता है। एंड सेकेंड रूल में लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बहुत ही इजीली तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग डैट कि यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु एक ही तल में स्थित होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। जी हाँ, तो इसका भी आंसर बहुत ही आसानी तरीके से आप दे सकते हैं। एंड इसमें लिखेंगे कि एक कागज़ की शीट को मेज पर रखें और इसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचे, फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करें और उसके पश्चात एक टार्च की सहायता से उस पर शीशे का प्रकाश डालें। तो हम पाते हैं कि आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हैं और इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग डैट नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना है। एंड पहला क्वेश्चन इसमें पुटअप होता है कि क में कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से डॉट 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 यम दूर दिखाई देता है। तो 1 मीटर दिखाई देता है तो क में 1 भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ख की तरफ। एंड ख में कह रहा है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने डाट 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 कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान डाट 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 हाथ से छुआ गया है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे भरेंगे कि बाएं, एंड सेकेंड में भी क्या भरेंगे, बाएं। तो इस तरीके से आप ख में भी आप फिल इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं, ठीक है। एंड ग में कह रहा है कि जब आप मंद प्रकाश को देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज डॉट 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 होता है, क्या होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। एंड घ में कह रहा है कि रात्रि पक्षियों के नेत्रों में सलाकों की संख्या की अपेक्षा शंखों की संख्या होती है डॉट डॉट डॉट, क्या होती है, अधिक होती है, क्या होती है, अधिक होती है। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स जो भी दिया गया है आप इसको भर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग डैट इसमें कह रहा कि 7 और 8 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में सही विकल्प आपको छांटना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पुटअप होता है यहाँ पे कि आपतन कोण सदैव बराबर होता है। जी हाँ, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा और इसी में से आपको बताना है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सदैव, ख कह रहा कि कभी कभी, एंड सॉरी क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंड ऑप्शन नंबर क है सदैव बराबर होता है, ख है कि कभी कभी, एंड ग है कि विशेष दशाओं में होता है, एंड घ कह रहा है कि कभी नहीं। तो आपको मालूम होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसका आपसे ऑप्शन नंबर क क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंड इसमें क्वेश्चन पुटअप होता है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। क में कह रहा कि आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित होता है, ठीक है। एंड ख में कह रहा कि आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। एंड ग में कह रहा कि वास्तविक होता है, दर्पण के पृष्ठ पर आवर्धित होता है। एंड घ में कह रहा कि वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर होता है। तो आपको बता दें कि जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, दर्पण के पीछे होता है तथा बिंब के साइज का होता है, ठीक है। जितना लंबा वस्तु रहेगा उतनी ही लंबा उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ख सही होगा कि आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा तथा बिंब के साइज के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन इज सेइंग डैट कि कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। कैलाइडोस्कोप क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि कैलाइडोस्कोप की रचना आनंद दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक युक्ति है जिसे
बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप भी कहते हैं, और इसमें तीन समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर बनाते हुए रखे जाते हैं, एंड दर्पणों को प्रायः एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है, जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं, एंड जब दूसरे सिरे को देखते हैं तो दर्पणों के द्वारा बने कांच के टुकड़े में बहुत प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है, एंड बहुत मूर्ति दर्शन को घुमाने पर कांच के टुकड़े तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। तो एक कुछ होता है कैलाइडोस्कोप की रचना होती है, एंड इसका कुछ फंक्शंस होता है, कार्य होता है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिखेंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट कि मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया ए ह्यूमन आई का डायग्राम है, मतलब मानव नेत्र का यहाँ पे चित्र बनाया गया है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता है, एंड इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ह्यूमन मानव के। तो देखिए, ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रेटिना, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये पचमावी पेशियाँ होती है, ये परिरेखीय होती है, ये लेंस होता है, एंड ये क्या होता है, कार्निया होता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रकाशिक तंत्रिका सिराएँ भी यहाँ पे आती जाती हैं। और देखिए, यहाँ पे मानव नेत्र में जनरली तीन पटल होते हैं, दृष्टि पटल होता है, रक्तक पटल होता है, और मध्यक पटल होता है। ठीक है, तो दृढ़ पटल जो होता है वो सबसे बाहरी वाला पटल होता है, एक मध्यक होता है और एक रक्तक होता है। तो जो रक्तक पटल होता है वो सबसे अंदर वाला होता है। तो इनका अलग अलग फंक्शन होता है, इनका अलग अलग वर्क होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग डैट कि गुरमीत लेजर टार्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था, एंड उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो जी हाँ, तो इसका आंसर लिखेंगे कि अध्यापक ने उसे ऐसा करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आँख खराब भी हो सकती है। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमिता को लेजर टार्च का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, तो जो लेजर लाइट होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो तरंग दर्द होती है, बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, एंड उसकी रेस से हमारी आंखों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए टीचर ने वहाँ पे अध्यापक ने उसको ऐसा करने से मना किया। ऐसे फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग डैट कि वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्र की देखभाल कैसे करेंगे। नेत्र मीन्स आप अपने आँखों की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे कैसे आप उसको बचाएंगे। तो आंसर लिखेंगे, नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला है कि यदि हमारी आँखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के पास में जाना चाहिए और नेत्रों की नियमित जाँच करा लेनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड में लिखेंगे कि यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। अब चश्मे भी देखिए, बहुत सारे लेंस का उपयोग किया जाता है, कभी कभी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एंड थर्ड में लिखेंगे कि नेत्रों के लिए बहुत कम तथा बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। एंड फोर्थ में लिखेंगे, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ में लिखेंगे कि अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाता है तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि आपको कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास में आपको जाना चाहिए, तो डॉक्टर आपकी आंखों में कोई ड्रॉप व्राप दे सकते हैं अथवा उसको चेक कर सकते हैं लेंसों की मदद से। एंड सिक्स में लिखेंगे कि अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। एंड सेवन्थ में लिख सकते हैं कि पठन सामग्री को सदैव दृष्टि सामान्य की दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। मतलब एक सामान्य व्यक्ति की जो दृष्टि दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब 25 सेंटीमीटर पे किसी वस्तु को आप रख करके पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वो दिखलाई देगी। एंड अपनी पुस्तक को नेत्र के बहुत समीप लाकर पठन अथवा उसे नेत्र से बहुत दूर रख करके नहीं करना चाहिए। मतलब यदि आप किसी वस्तु को पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कॉपी पढ़ रहे हैं, तो आपका जो बुक होना चाहिए आपकी आंखों की दूरी से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई देती है। ये सर कुछ विशेष यहाँ पे जानकारी आपको दे दी गई है कि आप अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज सेइंग डैट
कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। जी हाँ, तो आंसर लिखेंगे यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। कितना होगा? 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यदि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, आपतित किरण परावर्तित किरण, तो एक एंगल का मान कितना होगा? अपवर्तन कोण अथवा परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 45 डिग्री हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग डैट कि यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे गए हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा कि अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एंड इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं, परपेंडिकुलर रखे गए हैं, और प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र 16.19 में दर्शाया गया है। एंड दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दर्पण हैं जो दूसरे के 90 डिग्री पे यहाँ पे बेंट है, और कोई आपतित किरण है जो 30 डिग्री के एंगल पर क्या होती है? बेंट होती है। तो इससे रिलेटेड इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये दो दर्पण हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर यहाँ पे बेंट है, तो यहाँ पे इसका हम नॉर्मल बना लेंगे, क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बना लेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे ये जो एंगल आपतित होती है, अभी यहाँ से आप देखेंगे तो मानते हैं कि ये 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण यहाँ पे आएगी, फिर यही परावर्तित किरण फिर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल मान कितना होगा? 60 डिग्री, लेकिन एक पार्टिकुलर कोण का मान यहाँ पे हम फाइंड करें तो कितना होगा? 30 अंश होगा यहाँ पे, क्योंकि 60 का आधा क्या होता है? 30 होता है। तो यहाँ पे आपतित किरण का मान कितना होगा? 60 अंश होगा, इसका भी मान 60 अंश। और लेकिन जब जैसे यहाँ पर आएंगे तब इसका पूरा मान कितना हो जाएगा? 60 अंश, एंड इसका मान कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज सेइंग डैट कि चित्र 16.20 में दर्शाए गए अनुसार भुजों को एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटाकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है, क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी क्यू तथा आर पर स्थित बिंदु के प्रतिबिंब भी देख सकता है? तो इसका आंसर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ये बुझा है, मतलब ए है, यहाँ पे पी है, क्यू है, आर है, और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कोई मिरर बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे नहीं, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता है, वह पी क्यू पर स्थित बिंदुओं की प्रतिबिंब तो देख सकता है। ठीक है, पॉइंट पी पे क्यू पे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा उसको तो देख सकता है, लेकिन आर पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब नहीं देख सकता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज सेइंग डैट कि यहाँ पे कम कह रहा है कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पे कोई मिरर ए है या बी है, और ए क्या है? सी है। तो इसका पहेली और ए क्या है? बुजो है। एंड ख में कह रहा है कि क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है? एंड ग में कह रहा है कि क्या स्थिति सी से बुजो इस प्रकार प्रतिबिंब देख सकता है? एंड घ में कह रहा है कि जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? तो ये जो क्वेश्चन आपको हम HW में दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को अपने मन से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। यदि क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाते तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, इसका भी सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।